खंडवा में भी अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। शहर में भी पक्षियों की अज्ञात बीमारी से मौत हो रही है। दो कौवों और बगुलों की मौत की खबर से पशुपालन विभाग सकते में आ गया है। सूचना मिलने पर विभाग के डॉक्टरों और पक्षी विशेषज्ञों ने मौका मुआयना कर कौवों और बगुलों के शव को बरामद कर उनका विसरा लिया और जांच के लिए भोपाल लैब में भेजा है। डॉक्टरों का कहना है कि भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद ही पक्षियों की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। हालांकि विभाग ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। अगर कहीं इस तरह की घटना दिखाई दे तो तुरंत विभागीय अधिकारियों को सूचना दे। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। इंदौर में डेली कॉलेज में जो कौवे मरने की सूचना मिली थी उसमें पूरे प्रदेश में फिर अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ पर कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जो भारत सरकार द्वारा पुष्टि की गई है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में सभी जिलों को सतर्कता बरतने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। उसी सिलसिले में हम लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं और विभिन्न स्रोतों से हमको पता चला कि यहाँ पर कुछ पक्षी मरे हैं, बगले हैं या कौवे हैं। तो यहाँ आकर देखा तो एक कौवा मरा मिला है, जिसका कि हमने सैंपल पूरे पक्षी के रूप में ले लिया और उसको भोपाल जांच के लिए भेजा है। और इसी प्रकार से जो बगुला मिला था उसको भी ले लिया है, वो भी जांच के लिए हम भोपाल भेज रहे हैं। विस्तृत जो जांच हो जाएगी भोपाल से उसके बाद ही परिणाम पता चल पाएगा। शुभ नाम बता दीजिए। डॉक्टर नीरज कुमार, जिला रोग अन्वेषण प्रयोगशाला खंडवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।